Very good morning, student. Now today we are going to discuss in EVS of class 2, lesson 3, our needs. And these all are the topics what we are going to discuss. First one is air, second one is water, third one is food, fourth one is clothes, fifth one is transport, and sixth one is communication. ये सारी हमारी जरूरतें हैं. So in this chapter we will know and we will read about our needs. अपनी जरूरतों के बारे में हम जानेंगे. And I hope that all of you have done the question answer of chapter 2 that we have done yesterday. And nobody is sending me attachment of the question answer that you have completed or not. If you have done, so send me the question answer, snaps, pictures of the question answer in the attachment. Okay. So see here, lesson 3, our needs. Okay na? First topic is here, air. हमारी जरूरतें, ठीक है ना. फर्स्ट वन इज एयर. एयर इज वॉट वी ब्रीथ ऑल द टाइम. इट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी और टच इट. इट इज वेरी ट्रू स्टूडेंट्स दैट एयर इज वॉट वी ब्रीथ ऑल द टाइम. जो हम सांस लेते हैं ना, ब्रीथ करते हैं ना, वो क्या है? एयर है, ठीक है. इट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. ये हमारे आसपास हमेशा प्रेजेंट रहती है, बट वी कैन नॉट सी और टच इट. लेकिन हम इसे ना तो देख पाते हैं और ना ही छू पाते हैं. ओके. वी कैन फील द फास्ट मूविंग एयर विच इज कॉल्ड विंड. या विंड, जब कभी कभी बहुत जोर की हवा चलती है जिसे हम विंड कहते हैं, हम जब वो हमारे बगल से जाती है तो हम उसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो इतनी तेज होती है और जैसे ही वो आती है हमें वो अपना फील देके जाती है, ठीक है ना. इसलिए हम विंड को महसूस कर सकते हैं. एयर इज मेड अप ऑफ गैसेस. वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ओके ना. जो एयर होती है वो गैसेस से बनी होती है, ठीक है ना. एयर जो हवा होती है वो गैसेस से बनी होती है. इसका एग्जांपल बहुत ही इजीली हम बताते हैं कैसे. जब हम सांस लेते हैं, ठीक है ना, दो तरीके से हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं ना. अंदर सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं. जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, तो हम हमेशा ऑक्सीजन को लेते हैं जो हमारे लंग्स तक पहुंचता है. जब हम सांस लेते हैं तो उस टाइम में जो हवा अंदर जाती है वो ऑक्सीजन होती है, और जब ब्रीथ आउट करते हैं तो जो हवा बाहर आती है वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. ये दोनों क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये दोनों गैसेस हैं. इसीलिए जो एयर का फॉर्मेशन होता है, जो एयर बनी होती है, वो गैसेस से बनी होती है. जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो ऑक्सीजन जाता है अंदर, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है. ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से. इसलिए इट इज वेरी मस्ट स्टूडेंट इट एवरी वन शुड प्लांट अ ट्री. हमें सभी लोगों को कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए. ओके. सी हियर, वी फील एयर इन डिफरेंट थिंग्स टू मेक देम वर्क. ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारी चीजों में हवा को डालते हैं जिससे वो काम कर सके. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर, द टायर्स एंड ट्यूब्स ऑफ आर बाइसिकल, बाइक, कार्स एंड स्कूटर्स need to be filled with air to be able to move them. Yeah, ये बहुत जरूरी है कि कुछ चीजों में जब हम हवा को डालते हैं तो ही वो काम कर सकते हैं. जैसे कि आपके बाइसिकल की जो ट्यूब और टायर्स होते हैं, अगर उनमें हम हवा ना डालें तो वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हवा डालने से ही उनमें वो चलने लायक हो सकते हैं. इसी के साथ साथ स्कूटर और बाइक और कार के भी जो टायर ट्यूब्स होते हैं उसमें भी एयर की जरूरत होती है. अ स्विमिंग ट्यूब फिल्ड विद एयर हेल्प अस टू फ्लोट ऑन वाटर. जब हम कभी स्विमिंग सीखते हैं और स्विमिंग करते हैं तो हमारे साथ साथ एक एयर बलून होता है जिसमें हवा भरी होती है, जिसको लेने से. तो जब हम स्विमिंग करने जाते हैं और हमारे साथ एक ट्यूब होती है उसमें एयर भरा रहता है, जिसे लेने से हम पानी में ऊपर तैरते हैं. जैसे यहाँ लिखा है ना, अ स्विमिंग ट्यूब फिल्ड विथ एयर हेल्प अस टू
फ्लोट ऑन वाटर, वी ब्लो एयर इनसाइड बलून्स। हम बलून्स में भी हवा डालते हैं ना, ब्लो करते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स वी फिल एयर इन डिफरेंट थिंग्स टू मेक देम वर्क। ओके ना, लाइक द टायर्स एंड द ट्यूब्स ऑफ द स्कूटर, कार्स, बाइसिकल एंड योर बाइसिकल एंड बाइक। ओके, एंड द स्विमिंग ट्यूब ऑल्सो वी फिल एयर एंड वी ऑल्सो ब्लो एयर इनसाइड द बलून्स। ओके, यू कैन सी हियर, एयर टेक्स अप स्पेस। ठीक है, एयर इज यूज टू प्ले अ फ्लूट। जब हम फ्लूट, आपने देखा है ना बांसुरी, जब हम उसमें हवा, जब हम उसे फूंकते हैं तो उसमें से एक म्यूजिक निकलता है। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन, एयर इज यूज टू प्ले अ फ्लूट। ओके, अ याच मूव्स विद द हेल्प ऑफ एयर। और जब हवा आती तो ही याच जो सी में रहता है वो मूव कर पाता है। एंड दिस वन, द थर्ड वन, एयर हेल्प अस टू ड्राई आर हेयर्स एंड वेट क्लोथ। जब आप हेयर ड्रायर यूज करते हैं तो उसमें से आपने देखा होगा हमेशा एक हॉट एयर निकलता है जो हमारे बालों को सुखाता है। एंड द सेम वे, वेट एयर हेल्प अस टू ड्राई आवर हेयर एंड वेट क्लोथ्स। ओके ना, देन यू कैन सी हियर, नॉट ओनली द एयर अराउंड अस इज फ्रेश और प्योर। When air becomes dirty due to the smoke coming out of vehicles and factories, we call it air pollution. Dirty air is not good for our health. It is also harmful for animals and plants. Okay, na? Not all the air around us is fresh or pure. ऐसा कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही भी है, कि जो कुछ भी, जो भी एयर हमारे आसपास है वो ऐसा नहीं कि वो सारे प्योर हों और फ्रेश हों। ठीक है ना, व्हेन एयर बिकम डर्टी ड्यू टू द स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज वी कॉल इट एयर पोल्यूशन। एयर कैसे पॉल्यूटेड होता है, जब व्हीकल से जो स्मोक्स निकलते हैं, फैक्ट्रीज से स्मोक्स निकलते हैं, वो एयर में जाके मिल जाते हैं और उसे गंदा कर देते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। डर्टी एयर इज नॉट गुड फॉर आर हेल्थ। और हम अगर खराब हवा को अपने सांस, खराब हवा को लेते हैं, में सांस लेते हैं, तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। इट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर एनिमल्स एंड प्लांट। और ये हमारे साथ साथ एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी वेरी वेरी हार्मफुल है। ओके ना, टू डिक्रीज एयर पॉल्यूशन वी शुड, अगर आप चाहते हैं कि एयर पोल्यूशन को हम कम कर सके तो हमें इन कुछ जो टिप्स दिए हुए हैं, जो पॉइंट्स दिए हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए। हम कैसे एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज वॉक एज मच एज पॉसिबल, देन यूजिंग मोटर व्हीकल्स सच एज बाइक और कार्स। यहाँ लिखा है कि जितना हो सके हमें पैदल चलना चाहिए, वॉक एज मच एज पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल हो उतना आप पैदल चलिए। देन यूजिंग मोटर व्हीकल्स सच एज बाइक और कार। ठीक है, मोटर व्हीकल्स और बाइक कार्स की जगह जितना हो सके आप पैदल चलिए। प्लांट मोर ट्रीज एंड प्लांट्स डू नॉट कट देम। सेकेंड क्या है लिखा है कि प्लांट ट्रीज एंड प्लांट्स, पेड़ पौधे को लगाइए एंड डू नॉट कट देम, उन्हें काटिए नहीं। अगर पेड़ पौधे हैं तो ही हमें फ्रेश एयर मिल सकता है, हमें ऑक्सीजन मिल सकता है। सो ये ऑल द सेकेंड वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ एवरी वन सिटीजन ऑफ इंडिया इज डूइंग द सेम, सो द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग ऑफ एयर पॉल्यूशन इट विल ऑल्सो डिक्रीज। तो अगर सभी लोग कम से कम इस चीज को फॉलो करें, प्लांट more tree and plants, so we will not face the air pollution problem. Third one is using bicycle or rickshaw. These are vehicles that do not cause air pollution. हमें bicycle और rickshaw का, अगर हमें किसी vehicle को use करना है तो हम rickshaw और bicycle को use कर सकते हैं, because ये दोनों जो vehicles हैं वो air pollution नहीं करते हैं। okay? So once again, student, you will revise from here, from page number 18 to page number 19. You will read it once again, and next we will do the page number 20. So एक बार से फिर से revise करिएगा, और मैं आगे का lesson में फिर से आपको next video में explain करूँगी. Okay?